तो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मोस्टली हम सभी वीडियोस में कोई ना कोई कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो किसी न किसी लकी विनर को कोई ना कोई बेनिफिट भी हो। तो वीडियो के बीच में मैं आपसे एक कॉन्टेस्ट से क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कहीं ना कहीं बीच में मिल जाएगा, मैं खुद बताऊँगा और कहीं ना कहीं मैं जरूर आपको क्लू जरूर दूंगा। आप इसलिए देख के जान सकते हैं कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो क्वेश्चन क्या है मैं आपको बीच में बताता हूँ, पहले चलिए देखते हैं आज हम क्या देखने वाले हैं। आप देख के तो समझ गए होंगे आज बारी है एक नई अल्टीमेट चार्जिंग टेस्ट करने की। तो डिफरेंट तरह की डिवाइसेस मैं ले रहा हूँ। तो लास्ट टाइम जब हमने टेस्ट किया था तो हमने कुछ अच्छे डिवाइसेस लिए थे और ट्राई किए थे। कुछ डिवाइसेस अगर आप अभी भी इंटरेस्टेड हैं देखने के लिए कितना टाइम लेती हैं चार्जिंग में, जैसे रियलमी 2 प्रो, ऑनर प्ले टाइप सी इसमें भी है, और मोटो 1 पावर, जेनफोन मैक्स प्रो, M1 नोट 5 प्रो, मोटो G6, काफ़ी तरह के फ़ोन हमने लिए थे, तो वो वीडियो आप चेक कर सकते हैं। इसीलिए मैं ये कुछ डिवाइसेस यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। तो आज डिवाइसेस जो हम ले रहे हैं गैलेक्सी M20, तो ये 5000 mAh की बैटरी है और 3 टाइम्स चार्जिंग करती है, सैमसंग बहुत क्लेम करते हैं। तो हम चेक करते हैं कितना इसका चार्जिंग टाइम लगता है। हुआ वे Y9, इसमें आपको 4000 mAh की बैटरी मिलती है और ऑना 8X 10 Lite का सबका सेम ही होगा। नोट 6 प्रो अभी भी हम ले रहे हैं और नोट 7 है। अगर आप देखना चाहते हो कि कितना डिफरेंस है टाइप सी और क्वालकॉम 4.0 से, तो आपको आज पता चल जाएगा। नोट 5 प्रो का भी ऐसी चार्जिंग है। M10 भी ले रहा हूँ इन केस आप देखना चाहते हो कि सैमसंग का स्टैंडर्ड चार्जिंग कितना टाइम लेता है, प्लस जो 3 टाइम्स फास्ट चार्जिंग है। मैक्स प्रो M2 5000 mAh की बैटरी है, ये भी काफ़ी टाइम लगती चार्ज होने में, मैक्स प्रो M1 जैसा ही है। नोकिया के 2 डिवाइसेस में ले रहा हूँ, 6.1 तो है ही है विद टाइप सी और फास्ट चार्जिंग आप देख सकते हैं, लेकिन 8.1 में आपको 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग दी जाती है। तो अगर आप फ्यूचर मैसेज नोकिया की डिवाइस लेते हैं, जैसे कि हो सकता है 6.2 में ये चीज़ मिले कि कितना डिफरेंस लगता है, तो ये भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर हम तो आज ये देख लेंगे कि इनमें चार्जिंग टाइम कितना लगता है, आप इन्हीं सभी फ़ोन्स का बैटरी ड्रेन टेस्ट देखना चाहते हैं तो प्लीज़ बताइए। तो मैं कुछ ड्यूरेशन पे इस पर रिकॉर्डिंग करूँगा, 15 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट, 75 मिनट, 90 मिनट और 100, 110, 120 है, क्योंकि बहुत से फ़ोन 90 मिनट और 100 मिनट में चार्ज होने लगते हैं। तो मैं जाके वहाँ से प्लग ऑन करता हूँ, आपके सामने ही सारे फ़ोन की चार्जिंग स्टार्ट होगी। होल्ड ऑन। तो सभी फ़ोन चार्ज हो रहे हैं। 11:05 पे मैंने चार्जिंग स्टार्ट की है और आपके सामने हैं सभी फ़ोन्स अभी फ़िलहाल तो चल रहे हैं। तो मैं अब हर इंटरवल पर रिकॉर्ड करता हूँ, 15 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट, 75 मिनट, जैसे मैंने बताया है। तो 15 मिनट हो चुके हैं, सभी डिवाइसेस को टर्न ऑन करते हैं बारी बारी, देखते हैं कौन सी डिवाइसेस कहाँ तक पहुँची हैं। तो वैसे ऑलमोस्ट सभी डिवाइसेस आपकी पार हो चुकी हैं 10% से ज़्यादा, तो 15 मिनट तो एटलीस्ट आप एक 1% पर मिनट तो होना ही चाहिए चार्जिंग कम से कम। तो यहाँ पर देखते हैं स्टैट्स क्या है ऑलमोस्ट सभी फ़ोन्स का। तो मैंने बैटरी कैपेसिटी वो भी लिख रखा है और जो वॉट लिखा है वहाँ पे, मतलब वो मैक्सिमम सपोर्टेड है, ज़रूरी नहीं कि आपको बॉक्स में उतने वॉट का चार्जर दिया जा रहा है। और रेडमी में समहाउ मैं स्टैट्स आपको क्लियरली क्लोजअप नहीं दिखा पा रहा हूँ, वहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है। सबसे फास्ट यहाँ पे देखिए नोकिया 8.1, उसके बाद नोकिया 6 और उसके बाद रेडमी की डिवाइसेस हैं, काफ़ी क्विक हैं। आधे घंटे तो मोस्टली सभी लोग, 15 मिनट आधे घंटे तो सभी लोग टॉपअप करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना टाइम लगता है, 45% आधे घंटे में, काफ़ी क्विक है। वन प्लस मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, वो थोड़ा और जल्दी चार्ज होती है टेस्ट चार्जिंग, बट वो फ़ोन बहुत महंगा है 40,000 का, तो इंक्लूड नहीं करते यहाँ पे। तो थोड़ा सा आप क्लोजली अंदाज़ा लगा लीजिए, स्टैट्स यहाँ पे हैं, जूम इन करके आप चेक कर सकते हैं। 45% सबसे लीस्ट आपका M10 है, 17%, माई गॉड आधे घंटे में से इतना ही चार्ज हुआ, बहुत कम है फिलहाल। तो आइदर वे गाइस ये था कुछ 45 मिनट का। अब 1 घंटा तो लगभग सब लोग इतना चार्ज करते ही होंगे, 1 घंटा, 1 घंटे में देखिए सबसे ज़्यादा चार्ज होने वाली डिवाइस है 81%, नोकिया 8.1 गुड। रेडमी की डिवाइसेस आप देखिए 60%, 59%, ये लगभग बराबर ही हैं, 1% का डिफरेंस मत मानिए। वैसे मैंने सभी डेड करके ही चार्ज की हैं, फिर भी नोकिया 6.1 66%, मैक्स प्रो M2 आपका 47 है, हुआवे Y9 भी उतना ही चल रहा है, M20 अभी कुछ खास नहीं है। लेकिन मैं आपको गाइस एक चीज़ बता दूँ कि चार्जिंग रेट वेरी करता है, जैसे जैसे आप चार्जिंग ख़त्म होने लगती है, तो जो कॉन्स्टेंट में है वो देखना ज़रूरी है। 1 घंटा 15 मिनट तो लगभग इतना आप सभी लोग लगाते होंगे, 1 घंटे से ज़्यादा ही सब लोग फ़ोन चार्ज करते हैं, मैं तो इतना ही करता हूँ एवरेज। और यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा फास्ट 92%, काफ़ी इंप्रेसिव है। 18 वॉट अगर आप चार्जर अपने फ़ोन में लगाएंगे, अगर आपका फ़ोन सपोर्ट करता है क्विक चार्ज 4.0 या जो भी, तो काफ़ी माइंड ब्लोइंग है। और नोकिया 6.1 भी 18 वॉट सपोर्ट है, लेकिन शायद बॉक्स में चार्जर है वो 18 वॉट का नहीं है, लेकिन सपोर्ट है। तो 1.5 घंटे स्टैंडर्ड चार्ज टाइम होता है, 90 घंटे अगर आप कर सकें तो करिए इतना चार्ज। तो यहाँ पे देखिए सबसे फास्टेस्ट अभी भी नोकिया 6.1 96%, गैलेक्सी M20 देखिए, मतलब उसका कांस्टेंट रेट है, मतलब ऐसा नहीं है कि आगे बढ़ रहा है तो घटने लग रहा है। तो ये 3 टाइम्स चार्ज जो उन्होंने लगा रखा है कुछ अलग ही है,
देखिए क्लोज़ होने लगे हैं ये रेडमी डिवाइसेस के। रेडमी भी देखिए नोट 7 नोट 6 प्रो में 85 और 80 हो गया है, Y9 उतने पे ही है, मैक्स प्रो M2 जैसे पहले थी वैसे ही है, 10 वॉट चार्जिंग ऐसे ही होती है। तो अब देखें सबसे पहले डिवाइस कौन सी चार्ज होती है, 105 मिनट हो गए हैं यानी कि 1 घंटा 45 मिनट लगभग, 15 मिनट का और, तो अभी यहाँ मैं 15 मिनट 10 मिनट का इंटरवल ले रहा हूँ क्योंकि चेक करना है। दो डिवाइसेस क्लोज़ हो चुकी हैं, 98%, 94%, 93%। और M20 भी सरप्राइजिंग है, मतलब M20 मैंने पास में देखा है अभी तक जब तक यूज़ करने पे काफ़ी अच्छी चार्ज है, बैकअप भी इसका सुपर एक्सीलेंट है। और सबसे पूरे अभी भी M10 59%, रेडमी 93, 90। ओके तो 1 घंटा 112 मिनट हो गया लगभग, 1 घंटा 52 मिनट। यहाँ पे देखते हैं कौन सी डिवाइस होने वाली है, 99% पे हो गई है, कभी भी अब चार्ज हो सकती है। तो 1-2 मिनट आगे पीछे का आप इंटरवल मानिएगा क्योंकि स्क्रीन ऑफ करके चार्ज कर रहा हूँ, ऑन करके चार्ज करने पे वेरी करता है, तो मैं ऑलवेज़ स्क्रीन ऑफ कर देता हूँ आपको दिखाने के बाद 2 मिनट के लिए। सभी फ़ोन में AMOLED डिस्प्ले नहीं है कि आप ऑलवेज़ ऑन स्क्रीन पर देख लें जैसे सैमसंग में होता है, तो मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। तो एक एवरेज आइडिया लगाइए, 100% कोई टेस्ट एक्यूरेट नहीं होता है। 100% हो चुका है देखिए, नोकिया 8.1 चार्ज हो गया है, 125 मिनट यानी कि 2 घंटा 5 मिनट मान के चलिए, 2 घंटे में अगर आप फ़ोन चार्ज करते हैं तो। M20 देखिए सरप्राइजिंगली 2 घंटा 5 मिनट में चार्ज हो गई है, तो 5000 mAh की बैटरी है फिर भी ये 2 घंटे में चार्ज हो रही है, जबकि आपका 8.1 3500 है वो 1 घंटा 50 मिनट पूरी, 10 मिनट के अंतर में देखिए 1500 mAh की बैटरी इसने ज़्यादा कवर किया। तो ये भी मुझे लगता है कि वैसे टेक्निकली तो नोकिया 8.1 फास्टिंग सबसे पहले चार्ज हुई, लेकिन ऐसे निकाला जाए रियलिस्टिकली तो M20 का रेट ज़्यादा बेटर दिख रहा है यहाँ पे। ओके गाइस, तो 133 मिनट होने वाले हैं, 2 घंटा 13 मिनट। अब देखते हैं यहाँ पे कौन सी डिवाइस चार्ज होती है, तो नोकिया 6.1 प्लस हो जाना चाहिए अब तक। ये देखिए दो डिवाइसेस और भी साथ में चार्ज हो चुकी हैं, रेडमी की भी डिवाइसेस चार्ज हो चुकी हैं, तो 1-2 मिनट आगे पीछे है, मतलब चाहे मैं 5 मिनट बाद जैसे आया तो सभी डिवाइसेस चार्ज हो गई थी। तो एवरेज में लगाया जाए तो 2 घंटा 10 मिनट लगभग लग रहा है इन तीनों डिवाइसेस को चार्ज करने में। तो रेडमी की विनर ज़्यादा है नोकिया 6.1 प्लस से क्योंकि उसकी बैटरी कैपेसिटी ज़्यादा है, 4 mAh में ये बराबर टाइम पर चार्ज कर रहे हैं। अब आ रही है आज के कॉन्टेस्ट से क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन ये है कि कौन सी डिवाइस सबसे पहले चार्ज हुई थी और कौन सी डिवाइस सबसे लास्ट में चार्ज हुई है। ज़्यादा डिटेल में आपसे नहीं पूछ रहा हूँ कितना टाइम लगा क्या लगा, बस आपको ये बताना है कौन सी डिवाइस सबसे पहले चार्ज हुई और कौन सी डिवाइस सबसे लास्ट में चार्ज हुई। तो आपका आंसर जो भी है आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में बस ये बताना है लिख के कि ये डिवाइस सबसे पहले चार्ज हुई और ये डिवाइस सबसे लास्ट में चार्ज हुई। और आज से एक हफ्ते बाद मैं विनर्स को पिक करूँगा और विनर्स के नेम में अपने तीनों सोशल मीडिया फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम पर पोस्ट करूँगा। जीतने वाले को अमेजोन का गिफ्ट कार्ड दिया जाएगा, गिफ्ट कार्ड का कोड जो है मैं आपको मेल पे समहाउ जैसे आप मुझे कॉन्टेक्ट करेंगे। 2 घंटा 50 मिनट अब यहाँ पे अगली डिवाइस जो चार्ज हो रही है देखिए कौन सी हुई है, सामने आपके रिजल्ट्स हैं आप देख सकते हैं कौन सी डिवाइस चार्ज हुई यहाँ पे। तो ये चार्ज हो गई है मैक्स प्रो M2, तो इसका भी रिजल्ट ठीक है, बहुत ज़्यादा फास्ट तो नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है। और दो डिवाइसेस बची हैं, 3 घंटा 10 मिनट अब देखिए कौन सी डिवाइस चार्ज हो रही है। तो अब जो डिवाइस चार्ज हो रही है वो M10 है, 3400 mAh इतनी देर में चार्ज हो रही है। तो सैमसंग की अगर आप स्टैंडर्ड डिवाइस लेते हैं जिसमें माइक्रो एसबी या कोई ऐसे कोई टेक्नोलॉजी क्लेम ना किया गया हो तो आप देख सकते हैं इतना टाइम लगता है चार्ज करने में, बहुत ज़्यादा टाइम है। एक डिवाइस बची है बस, उसको भी हम चेक करते हैं कितना टाइम लगता है उसको चार्ज करने में। तो 3 घंटा 25 मिनट देखिए, तो अब जाके Y9 आपकी चार्ज भी होगी, 3 घंटा 20 मिनट ले लीजिए, 2-3 मिनट का फ़र्क मैं देते रहूँ आपको बोनस में। तो सबसे पूरे चार्जिंग में है Huawei Y9, सबसे फर्स्ट चार्ज हुई है नोकिया 8.1। तो ये आपका स्टैट्स रिजल्ट्स है, क्लोजअप में आप देख सकते हैं कौन सी डिवाइस कैसे चार्ज हुई। 3.5 घंटे लगे गाइस पूरा रिजल्ट्स निकालने में, कम से कम 50 बजे उठना बैठना पड़ा होगा। सभी डिवाइसेस चार्ज हो चुकी हैं, रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। चार्ट पेपर कवर सबसे अच्छा होता है, मैनुअली काम करिए, कंप्यूटराइज की जरूरत नहीं है अभी भी। तो देखते हैं कौन सी डिवाइस सबसे पहले चार्ज हुई, कौन सी सबसे लास्ट में चार्ज हुई है। तो यहाँ पे देखें मुझे कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ा था क्योंकि ऐसा होता है जैसा आप बनाइए वैसा प्रेडिक्शंस निकलता नहीं है। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है जो 100 सबसे पहले हुआ है, देखिए 100 सबसे पहले यहाँ पे आया है, नोकिया 8.1 18 वाट का चार्जर आपको बॉक्स में मिलता है, इसने चार्ज करने कम्प्लीटली लिया है 112 मिनट, यानी कि 1 घंटा 50 मिनट में आप कम्प्लीटली इस डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट डिवाइसेस हमारी जो चार्ज हुई हैं, गैलेक्सी M20 लिया है इसने पूरा 125 मिनट,
2 घंटा 5 मिनट में देखिए 5000 mAh की बैटरी चार्ज हो गई है। तो M20 यहाँ पे सबसे फास्ट चार्जिंग में, बैटरी कैपेसिटी ज़्यादा है फिर भी ये सबसे जल्दी चार्ज सेकंड नंबर पे हुई, लेकिन ओवरऑल आप देखिए तो 5000 vs 3500, तो M20 यहाँ एक तरीके से विनर है इन सभी डिवाइसेस में। और अगली 3 डिवाइसेज जो लगभग एक साथ चार्ज हुई हैं 1 मिनट के अंदर में ही, नोट 6 प्रो, नोट 7 और नोकिया 6.1 प्लस, तो ये भी 18 वाट पे सपोर्ट करती है, चार्जर जो मिला 18 वाट पे है, लेकिन फिर भी देखिए इसमें ये 3000 mAh की बैटरी है फिर भी ये थोड़ा सा लेट में चार्ज हुई है 133 मिनट में, तो थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है लेकिन फिर भी फास्ट चार्जिंग है। नोट 7 में आपको बॉक्स में चार्जर मिला है जो मेरे पास है 5V 2A है, होपफुली वो फीचर में आपको जो बॉक्सेस मिले उसमें हो सकता है 18W सपोर्ट हो, या आपको चार्जर अलग से लेना पड़े, या तो मुझे लगता है आपको चार्जर दिया नहीं जाएगा बॉक्स में 18W का, वो आपको लेना पड़ेगा। अगली डिवाइस जो चार्ज हुई है वो मैक्स प्रो M2, इसने लिया है लगभग 170 मिनट, यानी कि 2 घंटा 50 मिनट 170 मिनट टोटल लिया है। तो हमने पहले भी देखा था जेनफोन मैक्स प्रो M1 लगभग 3 घंटे ही लेती है, तो इसने भी अभी उतना ही टाइम लिया है। उसके बाद की डिवाइस जो है गैलेक्सी M10 3 घंटे 10 मिनट 3400 mAh से फिर भी 3 घंटे से ज़्यादा चार्जिंग का टाइम लग रहा है। और लास्टली जो सबसे लास्ट डिवाइस चार्ज हुई है हुआवे Y9, तो ये बहुत ही पुअर डिवाइस है, देखिए 4000 mAh की बैटरी इसको चार्ज करने में लग रहा है। तो आइदर वे गाइस ये था आज का आपका बैटरी चार्जिंग टेस्ट, काफ़ी टायरसम है लेकिन फिर भी हमने किया। सो एनीवे गाइस टाइम टू एंड द वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको ये टेस्ट पसंद आया होगा, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्ते एंड हैव अ ग्रेट डे।